Hey guys, welcome back to my channel. आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ. अगर आप लोग अच्छे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. और टेक सुबोजी में आप सभी लोग का स्वागत हूँ. मैं हूँ सुबोजी. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. अगर आप लोगों के बहुत ज्यादा इश्यूज है बैटरी के लिए, अगर बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाता है, बैटरी नहीं चलता एक दिन तक, तो अगर आप बैटरी को कैसे बढ़ाएंगे, तो आज वीडियो को उसके लिए. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं. हमको सिखा दिया है. अगर आपके बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है या फिर एक दिन भी नहीं चलता, तो उसके कुछ कारण है. तो पहले सुन लीजिए, आपके जो फोन है अगर उसके अंदर प्रोसेसर अगर अच्छे ऑप्टिमाइज नहीं होता है, तो वो फोन ज्यादा से ज्यादा बैटरी प्रोवाइड नहीं कर सकता है. तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, फॉलो करना उस सारे टिप्स को. तो गाइस चलिए देख लीजिए. अगर आपके फोन में जब भी चार्ज चला जाता है, अगर आप उसे चार्ज पे डालेंगे, तब ख्याल रखना कि आप उसे 100% चार्ज मत कीजिए. एक बहुत बढ़िया फैक्ट है. पहली बात तो चार्ज हमेशा ऐसे 100% मत कीजिए, क्योंकि 80% तक ही एक बैटरी का जो लाइफ इसे होता है, 80% तक बहुत ज्यादा स्टेबल होता है. यानी आपके फोन आप जब भी चार्ज पे बिठाएंगे, तब 80% से ही रखिए और उसके बाद चार्ज को ऑफ कर दीजिए, पर 100% कभी भी मत चार्ज कीजिए. और दूसरा, अगर आपके फोन में जब भी बैटरी ड्रेन हो जाता है, पर 20% तक जब भी ड्रेन होता है, तब 20% पे आप फोन को चार्ज में डालें. अगर वो 15% चला जाता है, या फिर 10%, 5%, या फिर पूरा जीरो, या फिर डेड हो जाता है फोन, कभी भी ऐसा मत कीजिए गाइस, क्योंकि 20% तक ही बैटरी के दो सेल्स होता है. दो सेल्स में एक होता है प्लस, एक होता है माइनस. अगर वो चार्ज पे जब अगर आप फोन को जब भी चार्ज पे देंगे, तब वो प्लस सेल में ही वो बैटरी चार्ज होता है. जब वो चार्ज ऑटोमेटिकली ड्रेन होता है, यानी जब भी चार्ज घटता है, तब जब 20% से चार्ज जब खत्म हो जाता है, तब वो माइनस सेल की तरफ चला जाता है. तो इसीलिए हमेशा चार्ज को 80% तक ही रखिए, और जब भी फोन ड्रेन हो जाए, तब 20% तक ही रखिए. 20% से फिर से चार्ज पे बिठाए, 20 से 80 तक ही आपको करना पड़ेगा. और कभी भी 2% या फिर 5% या फिर 15% या फिर 19% तक कभी भी फोन को मत ले जाइए. हमेशा 20% से ही फोन को चार्ज दीजिए, इसीलिए बैटरी बहुत ही अच्छा होगा. और 80% से आप कभी भी आप चार्ज मत कीजिए, क्योंकि 80 से 20 तक ही एक बैटरी का बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है. 20 से कम मत कीजिए और 80 से आप मत कीजिए. और कभी भी फोन को ओवरनाइट तक मत चार्ज कीजिए. हमें पता है कि अब तक हमें जो भी फोन देखने को मिला है, 60 वाट का होता है, 65 वाट का होता है, 67 वाट का होता है, 44 वाट का होता है, 30 वाट का होता है, 33 वाट का होता है, 15 वाट का होता है, 25 वाट का होता है, 20 वाट का भी होता है, 120 वाट का भी होता है, और 80 वाट का भी होता है, और 150 वाट का भी होता है. हमें पता है कि बहुत सारे वाट का हमें देखने को मिला है चार्जर पर. कभी भी फोन को ओवरनाइट चार्ज मत कीजिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है. क्योंकि ओवरनाइट के चार्ज के समय आपकी जो फोन की जो सीमा होता है, सीमा है, क्योंकि आपके फोन का एक समझ लीजिए कि आपके पास जो भी फोन है वो है 30 वाट का एक चार्जर. तो 30 वाट का चार्जर यानी आपके एक घंटे में फोन को 100% हो जाता है. पर अभी रात को 11 बजे आपने फोन को चार्ज में डाला है और सुबह 5 बजे फोन को चार्ज से निकाला, तो देखिए इतना जो टाइम सर्किल होता है, आपके फोन को चार्ज होने का एक घंटे में चार्ज हो जाता है, पर आपने 7-8 घंटे तक चार्ज पे उसे डाल के रखा है, तो बैटरी तो खराब होना ही है भाई. तो ऐसा मत कभी भी मत कीजिए. सोने से पहले ही फोन को चार्ज दे दीजिए, पर ओवरनाइट कभी मत कीजिए. और एक फैक्ट गाइस, आपके फोन में जितने भी नोटिफिकेशन है, हमेशा नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखिए. ऑफ यानी कि नोटिफिकेशन यानी कि जो फालतू के लिए ब्लॉक बेयर होता है, मेरा मतलब कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेज, फोन, इन सब के जो नोटिफिकेशन है वो हब रखिए. उसके अलावा भी जितने भी ऐप्स है जो आप इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ फालतू के आपके फोन में डाला हुआ है, उसके जो नोटिफिकेशन है उन सब नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, क्योंकि वो सब जो नोटिफिकेशन है बहुत ही ज्यादा बैटरी एफिशिएंट करता है. और एक बात, अगर आपके फोन में वाईफाई कनेक्टेड ही नहीं है, पर फिर भी आप वाईफाई को ऑन करके रखा हुआ है, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वाईफाई जो होता है वो हमेशा स्कैन करता रहता है कि अगर आप घर से वाईफाई में है, अगर आपके घर में वाईफाई है, आप वाईफाई को फोन से कनेक्ट करते हैं, पर बाहर गए तो वाईफाई को बंद कर दीजिए, क्योंकि बाहर भी वो वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हमेशा वो बफरिंग होता ही रहता है. तो ऐसा मत कीजिए. और ब्लूटूथ, फालतू के ब्लूटूथ को ऑन मत कीजिए, ब्लूटूथ भी ऑफ करके रखिए. गाइस अगर गाइस कि आप अभी तक जितने भी फोन में देखा हुआ है 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज
और 144 हर्ट्ज, ये जो है एक रिफ्रेश रेट है, यानी रिफ्रेश रेट का मतलब होता है कि आपके फोन कितना ज्यादा फास्ट काम करता है। तो इसके भी कारण से बैटरी इश्यूज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा ड्रेन होता है। तो इसीलिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप जब गेम खेलते हैं तभी उसको ऑन कीजिए, पर जब गेम नहीं खेलते तभी जो हर्ट्ज होता है जितना ज्यादा हर्ट्ज है उसको कम कर दीजिए। यानी आप अगर आप गेम खेलते हैं तो 144 या फिर 120 हर्ट्ज या फिर 90 हर्ट्ज तक ही रखिए, जब गेम नहीं खेलते तब उसको रख दीजिए 60 हर्ट्ज तक, यानी सब फोन में 60 हर्ट्ज होता है जो एंड तक होता है। और एक गाइस बड़ी बात कि आपके फोन में जो बैकग्राउंड में जितने भी एप्स वगैरह चलता है, यानी देखा जाए तो गाइस आप अपने फोन में व्हाट्सएप को ऑन कीजिए तो व्हाट्सएप अपने ऑन होता है, इंस्टाग्राम एप भी, बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कुछ एप्स को ऑन करता है पर बैक में जो मिनिमाइज करके बैकग्राउंड को क्लियर नहीं करता है। यानी तो डायरेक्ट क्या बताओ गाइस, सब लोग बैक कर देते हैं, होम कर देते हैं, पर मिनिमाइज को कोई भी गाइस क्लियर नहीं करता है। तो इसीलिए क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो जितने भी ऐप्स है वो ऑलरेडी चलता ही रहता है, पर आपको कभी उस भनक भी नहीं लग सकता है। तो इसलिए गाइस जितने भी बैकग्राउंड में जितने सारे ऐप्स है उसको क्लियर जरूर करना। आखिर में दो चीज मैं बताऊंगा, तो अगर आपके फोन में एमोलेड डिस्प्ले है, IPS नहीं गाइस, HD नहीं, अगर एमोलेड डिस्प्ले है तो अपने बैकग्राउंड के जो वॉलपेपर है और जो कीबोर्ड है यार जो भी थीम्स है वो हमेशा से ब्लैक बैकग्राउंड में रखिए, यानी जो डार्क मोड है उसको ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। यानी डार्क मोड से आपके बैटरी बहुत ज्यादा तक सेफ रहता है, बहुत ज्यादा मैंने इस्तेमाल किया है, आप भी कीजिए, बहुत ज्यादा आपको सेफ रखेगा, यानी बैटरी ज्यादा ड्रेन नहीं होगा। आखिरी में जो मैं बताऊंगा एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आपके फोन बहुत ज्यादा तक बैटरी से होता है, बहुत ज्यादा बैटरी से होता है, ये जो मैं क्यूब बताऊंगा आपको 100% तक बैटरी हमेशा के लिए ड्रेन कभी नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको सेफ रखेगा। आपके फोन में जाइए, पावर बटन ऑन कीजिए और फिर आ गया पावर ऑफ, उसे कर दीजिए और आपका फोन एक महीने तक सेफ रहेगा। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिए और मेरे पिछले जो भी वीडियो है उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन मैं लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो चलिए गाइस बाय। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes.